हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीबीएल शेयर के ऊपर, साथ ही साथ बात करेंगे इंडस टावर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, न्यूज के ऊपर बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज भी है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, और फिर हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। पीसीबीएल के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक 269 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इस पूरे वीक में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 8.5% के तेजी के साथ क्लोज दिया है। एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग देखने को मिला है। लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 4.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, बट लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया 343.50 रुपीज का, और उसके बाद स्टॉक जो है करेंटली रिट्रेस बैक करके 269 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को हम लोगों ने पोस्ट किया था 146 रुपीज के लेवल पे। ये अगर देखेंगे तो 146 रुपीज के लेवल पे मैंने पोस्ट किया था 13 जून 2023। उस टाइम में ब्रेकआउट आया नहीं था, मैंने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आने से पहले पोस्ट किया था जो 150 के लेवल के ऊपर एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद लगातार जो है मैंने अपडेट किया था पीसीबीएल के स्टेटस के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस ट्विटर हैंडल पे भी मैंने पोस्ट किया था, बिल्कुल सेम डे जो है पोस्ट किया था। तो इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कोई भी अपडेट को मिस नहीं करेंगे, और अगर आप मिस नहीं करेंगे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो बेटर वे में जो है आप एक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी ज्यादा बेनिफिट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाला है। कोई भी चार्ट्स में अगर कुछ भी हम लोगों को एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखता है या कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है तो उसको भी पोस्ट करते हैं। जैसे कि IRFC जब 165 के लेवल को ब्रेकआउट कर रहा था तभी भी मैंने पोस्ट किया था, और उसके बाद स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। ठीक उसी तरह RBNL में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिला। तो ये सभी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही रेगुलर जो है हम लोग यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी पोस्ट करते हैं, और जैसा कि अगर देखेंगे बेल को भी पोस्ट किया था 238 के लेवल पे, तभी ब्रेकआउट आया नहीं था फ्लैग एंड पोल का, और स्टॉक जो है आज भी तकरीबन 5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 20 पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल चुका है बेल के शेयर में। तो इस टाइप के बेनिफिट्स जो है आपको मिलेंगे। इन केस अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप भी जो है यहाँ पे अर्न करना चाहते हैं, उतना ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप जो है प्रीमियम ग्रुप को प्रीफर कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट ये सभी मिल जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अपना बेनिफिट लेना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग PCBL शेयर के ऊपर। इनकेस अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आप PCBL के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको PCBL ने अप्रैल मंथ में अपने प्रोमोटर्स को जो है आपको QIP दिया है। यहाँ पे जो है आपको प्रिफरेंशियल बेसिस पे उनको वापस से उन्होंने बाई किया है, प्रिफरेंशियल बेसिस पे 25% का कैपिटल देके। तो यहाँ पे 280 रुपीज के लेवल पे जो है उन्होंने बाई किया है, और क्लियरली अगर देखेंगे कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर प्रोमोटर प्रिफरेंशियल बेसिस पे बाय करते हैं या प्रोमोटर किसी भी रूप में बाय करते हैं तो इस चीज को एक पॉजिटिवली लिया जाता है, मार्केट उसको एक पॉजिटिव मानता है। जो प्रोमोटर अगर बाय कर रहे हैं, प्रोमोटर अगर अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को अगर पता रहता है तो वो होता है प्रोमोटर। और अगर प्रोमोटर पैसा लगा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली प्रोमोटर को अपने कंपनी पे भरोसा है, प्रोमोटर को पता है जो आगे क्या प्रोजेक्ट आ सकता है, क्यों बेनिफिट होने वाला है उसका पैसा लगाने से। इसी वजह से जो है प्रोमोटर वहां पे पैसा लगाते हैं। तो इस चीज को मार्केट जो है काफी ज्यादा पॉजिटिवली लेता है।
इसके साथ ही अगर हम लोग फंडामेंटली भी देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जो 23 मई को जो है कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो नेक्स्ट वीक में जो है इस स्टॉक के ऊपर काफी ज्यादा फोकस होने वाला है, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटी होने वाला है। और इस वजह से भी फोकस रहेगा क्योंकि लगातार जो है कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है। प्रीवियस 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर जो है आपको दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू पोस्ट किया था, साथ ही साथ जो है हाईएस्ट प्रॉफिट 148 करोड़ का पोस्ट किया था। ईयरली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो प्रीवियस 4 क्वार्टर में जो है कंपनी ने अपना हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है और हाईएस्ट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। साथ ही साथ प्रीवियस 4 क्वार्टर में अगर देखेंगे तो सेल्स भी अपने हाईएस्ट लेवल पे है, तो लगातार सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत कम कंपनी में देखने को मिलता है, जो सेल्स इंक्रीज होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होता है और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है, तो फंडामेंटली एक अच्छे लेवल पे है। अगर हम लोग डेट के ऊपर बात करेंगे तो डेट जो है आपको 1171 करोड़ का है कंपनी का एज ऑफ सितंबर 2023। अभी मार्च का डेटा यहाँ पे आया नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पे बाई किया है, तो डेफिनेटली जून के क्वार्टर में जो है यहाँ पे आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा, बट फिलहाल एज ऑफ मार्च 2024 प्रमोटर के पास 51.41% है। FII ने यहाँ पे मार्जिनली अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, DII ने भी मार्जिनली अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, रेस्ट आपको पब्लिक के पास है 35%। पब्लिक में एक बड़ा नाम जो है वो आशीष कचोलिया जी है, जिनके पास के 1.83% का स्टेक है। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के और डिटेल पॉइंट्स के ऊपर, तो अभी जो है करेंट पी 21.08 का है, 10 ईयर एवरेज पीई अगर देखेंगे तो 14 का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 17% का है, तो एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 33 करोड़ का है, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो बुक वैल्यू से ओनली 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, और डेट जो है वो ज्यादा कंसर्निंग नहीं है क्योंकि डेट टू इक्विटी जो है 0.38 का है, तो फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी यहां पे लग रहा है। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, एक बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना है। क्यों रखना है इस चीज को समझिए, टेक्निकली क्या हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे आपको फॉल हुआ, पुलबैक लिया, पुलबैक लेने के बाद वापस से यहाँ पे फॉल हुआ, और अब स्टॉक में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक यहाँ पे बना रहा है एक हायर लो, और ये पैटर्न जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो वहां से जो है स्टॉक में एक हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड से अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड से हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बस आपको वेट करना है डेली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का। जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता नहीं है आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद जो है आपको इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें तो 275-276 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि वापस से इस स्टॉक को 350 के लेवल की साइड लेके जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर के शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त एक ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट हम लोगों को अप्रैल मंथ में देखने को मिला। ये है एक आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। स्टॉक ने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और ये एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट है। 6 ईयर के बाद स्टॉक ने 330 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है और साथ ही साथ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है ये तकरीबन 200 पॉइंट का है, यानी कि स्टॉक जो है इस लेवल से 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अब अगर 200 पॉइंट ऊपर को देखेंगे तो स्टॉक के पास जो एक रेसिस्टेंस है वो 500 के लेवल पे है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस, और एक बार उसके ऊपर निकलता है तो फिर और भी बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर स्विच करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक अच्छा तेजी हुआ,
ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस बैक किया, अगर वापस से स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छा तेजी हम लोगों को 500 की तरफ देखने को मिल सकता है। जितने भी लोगों के पास ये स्टॉक है बिल्कुल पेशेंस के साथ होल्ड कर रखे, होल्ड करके रखे, आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। फ्रेश बाइंग अगर आप करते हैं तो फ्रेश बाइंग के अगर आप यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करना है या फिर एसआईपी मोड में करना है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में एसएल 320 के नीचे प्लेस करके रख सकते हैं, ऊपर की साइड में जो है एक बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।